छठ घाट पे होंगे, नहाए खाए हो रहा होगा, माँ रास्ता देख रही होगी, खरना हो रहा होगा, संझ की अर्घ भोर का अर्घ हो रहा होगा, सब लोग घाट पे होंगे और हम घाट पे नहीं होंगे। माएँ रास्ता देखती हैं, अंत तक देखती हैं प्रसाद के लिए कि आखिर हमारा बेटा जो छठ घाट पर हम लोग प्रमुखतया रुनकी झुनुकी बेटी दामाद बेटा बहू पोते पोतियाँ सुख समृद्धि सौभाग्य निर्मल शरीर आँख हाथ कान लंगड़े लूल्हे सब लोग छठ व्रत के महिमा को गाते हैं और छठी मैया हर किसी को वरदान देती हैं, झोलियाँ भर भर के देती हैं। लेकिन वही बेटा जिसे छठ घाट पे हमने मांगा, वही बेटी जिसे हमने छठ घाट पे पाया, वो हमारे ही व्रत में हमारे परिवार का हिस्सा नहीं रहते हैं, तब बहुत दुख होता है। और व्रतियाँ महीनों उस प्रसाद को, उस ठेकुआ, उस पकवान को सालों रखती हैं और जब बच्चे बाहर से आते हैं तो उसे ग्रहण करने के लिए देती हैं। ऐसी महान है छठ की महिमा और ऐसी महान है यह पर्व। तो मैं सभी लोगों से कहूँगा कि इस बार छठ पूजा के लिए अपने ही घर आइए, अपने ही छठ घाट पर छठ को करिए कि कहीं सुनी न रह जाए कोई चौखट, और अपने परिवार हित मीत के साथ ही मनाइए इस बार 2017 का छठ। नमस्कार।